वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ सालेहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ सालेहीन ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्म में अक्सर ख्वातीन को रसोली बन जाती है या घोड़ा कोई निकल आता है, उसके लिए कुरान हकीम की एक आयत बहुत मुजरब। याद रखिए, रसोली का बनने का सबब ज्यादातर ये जिस्म के अंदर शैतानी असरात होते हैं जो जिस्म में खून में गर्दिश करते हैं। वो जिन्नाती असरात होते हैं जो बाथरूम की दुआ ना पड़े अक्सर वहां से बॉडी पर अटैक करके जिस्म के अंदर खून में शामिल हो जाते, और ये असरात जिस्म के अंदर जो है रसोली भी बनते हैं, गिल्टियां बन जाती हैं या फोड़े फुंसियों की शक्ल में नमूदार हो जाए। और इनका इलाज बेहतरीन ये है कि कुरान हकीम की एक आयत है, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। अब ये आयत करीमा आप रोजाना पढ़ें और पढ़कर उन पर फूकें। और उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने जो गिल्टी है, रसोली है या फोड़ा है, आपने ये आयत पढ़ के यूं उस पर दायरा खींचना है, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। यूं तीन बार यू दायरा खींच, फिर आपने यू तीन बार उल्टा दायरा खींचना है, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। तीन बार यू आपने खींच लिया। अब ये दायरा दोनों तरफ से हो गया, उसके बाद आपने फूंक देना है उस पर, गिल्टी हो या फोड़ा, और ये आप अमल इस तरह कर लेंगे। और फिर तीसरी मरतबा आपने करना है, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, फिर अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, फोड़े पे या गिल्टी पे इस तरह क्रॉस, ये भी आपने कर लेना है। और उसके बाद आप उसको छोड़ दें और 33 मरतबा ये आए पानी पे दम करके पिए और वहां छींटे। अगले दिन भी इसी तरह करें। आप 21 दिन ये अमल मामूल का कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपको उन गिल्टी, रसोली, फोड़े फुंसियों से 100% निजात अता फरमा दे। और अगर करीम या कोई लोशन या कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, उस पर भी आप दम कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा। अगर चेहरे पे खील मुहासे हैं या आपको कहीं भी गिल्टी है, रसोली है, वो बिल्कुल इंशाल्लाह माइनस होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।